हरियाणा विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कार्यकारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जोड़ी ने पूरे सूबे को नापने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों का शेड्यूल जारी कर दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी पार्टियों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टियों ने भी मैदान में अपने 90 प्रत्याशियों को उतार दिया है। बीजेपी के 75 पार का टारगेट को पूरा करने के लिए चुनावी कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई स्टार प्रचारक उतरेंगे। बीजेपी ने दिग्गज स्टार प्रचारकों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 14 अक्टूबर को पीएम मोदी बल्लभगढ़ में पहली रैली करेंगे। 15 अक्टूबर को दादरी और थानेसर, 18 अक्टूबर को हिसार। इसी तरह 9 अक्टूबर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में हुंकार भर जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के रण में शाह की हुंकार, 9 अक्टूबर से 2 दिन हरियाणा में रहेंगे अमित शाह। कैथल, पुंडरी, गुहला, चीका में करेंगे रैली। हांसी, बरवाला, उकलाना, तोशाम, बाढ़डा और लोहारू भी जाएंगे शाह। 14 अक्टूबर को शाह दोबारा हरियाणा पहुंचेंगे और कई रैलियों को संबोधित करेंगे। रतिया, टोहाना, नरवाना, कालका, पंचकुला, करनाल, इंद्री, असंध और नीलोखेड़ी समेत कई जगह रैली को संबोधित करेंगे। 11 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के रण में हुंकार भरेंगे। हरियाणा में जेपी नड्डा की 4 रैलियां, 11 अक्टूबर जेपी नड्डा पहली रैली डबवाली में करेंगे। दोपहर करीब 11 बजे डबवाली में करेंगे रैली। करीब 12:45 पर रनिया में रैली को संबोधित करेंगे। करीब 2 बजे कालावाली में रैली को संबोधित करेंगे। करीब 4 बजे पटौदी में रैली करेंगे। बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हरियाणा के जंग में प्रचार के लिए बुलाया है। 11 अक्टूबर को सीएम योगी हरियाणा पहुंचकर कालका, नारायणगढ़, जुलाना और सोनीपत में गरजेंगे। वहीं 14 अक्टूबर को केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार करेंगे। अनुराग ठाकुर शाहबाद और थानेसर विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर भी 12 और 13 अक्टूबर को हरियाणा में रहेंगी। वो दादरी और आदमपुर विधानसभा में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी, जबकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष 9 अक्टूबर को संगठनात्मक कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।